तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं ड्राइंग तो यहाँ ये आप ड्रा कीजिए एसिटाबिलम ओके नीचे याद रखो कि यहाँ एक नॉच रखना है आपको ठीक है ये हो गया आपका आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज इसे कलर भी कीजिए आप अब आप नीचे आइए और यहाँ पे ये दोनों एजेस नॉच है ना यहाँ पे ट्रांसफर्स एस्टाबिलर लिकेमेंट ड्रॉ कीजिए ओके बिटवीन द टू एजेस ऑफ द नॉट्स इसे भी कलर कीजिए सो लिगमेंट है तो आप इसे हरे कलर में कलर करोगे ओके okay? अब चलते हैं कि आपको ड्रॉ करना है फोसा जिसमें आप येलो कलर करेंगे जहाँ हैवर्जन पैड ऑफ फैट होता है ओके okay? इसी ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगमेंट को हमने ट्रायंगुलर लिगमेंट अटैच किया था तो इसे ड्रॉ कीजिए इसे भी आप कलर कीजिए आराम से ड्रॉ करो प्रोसेस एन्जॉय करो जल्दी जल्दी में ड्राइंग्स मत कीजिए आप अब हम अटैच करते हैं इसके जो फेस्टेबिलम को हमारा एस्टेबुलर लिकामे लेब्रम एस्टेबुलर लेब्रम ये फाइब्रो कार्टलेज होता है तो इसे कलर करते समय हमेशा अलग कलर करो सो so देट आपको याद रहे कि आर्टिकुलर फो सर्फेस इज आर्टिकुलर कार्टलेज लेब्रम इज फाइब्रोकार अब हम चलते हैं अटैचमेंट ऑफ कैप्स्यूल पे तो ट्रांसवर्स लिगामेंट एज ऑफ एस्टेबिलम फिर थोड़ा सा ऊपर जाइए हाफ सेंटीमीटर एंड कम बैक ये होता है अब कैप्स्यूल अटैचमेंट ऑन द बोन। इसको ना आप डॉटेड बनाइए सो दैट ये लाइन बाकी के लाइंस में ब्लेंड हो ना हो जाए तो आपको याद रहेगा कि ये कैप्सुलर अटैचमेंट है कोई और बोन की लाइन नहीं है ओके okay? इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट अटैचमेंट हिप बोन वाला ठीक है इसे एक बार क्विकली रिवाइज करो ये कैप्सूल है ये एस्टेबुलर लेब्रम है ये आर्टिकलर सर्फेस कवर्ड बाई आर्टिकलर काटलेज ये एस्टेबिलो फोसा एंड हैवोजन पैड ऑफ फैट ये ट्रांसफर्स एस्टेबिलर लिगामेंट एंड ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमा इतना सारा आपने पाँच मिनट में ड्रॉ भी कर दिया और सीख भी लिया अब हम चलते हैं अगले डायग्राम की तरफ विच इज़ करोनल सेक्शन थ्रू द हिप जॉइंट तो हिप जॉइंट के थ्रू आप एक सेक्शन uh, ड्रॉ करने वाले हो तो पहले ड्रॉ कीजिए नेक ऑफ फीमा इसे ऊपर एक्सटेंड करो ग्रेटर ट्रोकैंटर इसे नीचे एक्सटेंड करो लेसर ट्रोकैंटा ओके okay? अब ऊपर जाइए आप एंड हेड को कंप्लीट कीजिए ओके हेड को ड्रॉ करते समय मुझे ना हेड में एक छोटा सा डिप्रेशन बनाना है क्यों बनाना है डिप्रेशन क्योंकि दिस इज़ फोविया फोविया ऑफ हेड ऑफ़ फीम अब हम उसी तरह से एस्टेबिलम ड्रॉ करेंगे ओके ये है एस्टेबिलम फॉर कैविटी इसे ऊपर कंटिन्यू करो इसे नीचे भी कंटिन्यू करो थोड़ा सा ऑप्चूरेटर फॉरमिन बना दो सो दैट यू नो थोड़ा ओरिएंटेशन बना रहता है ओके अब हम चलते हैं कि ऊपर यहाँ मैंने एस्टेबिलर लेब्रम बना दिया बाकी का आर्टिकुलर काटलेज मैंने आर्टिकुलर काटलेज बना दिया इसी तरह से नीचे की तरफ मैं ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट बना रही हूँ आप भी बनाइए जिसे अटैच है मेरा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ़ फीम ये बाकी का जो स्पेस है यहाँ पे मेरा हैवर्जन पैड ऑफ फैट है याद है एस्टेबुलर फोसा में हैवर्जन पैड ऑफ फैट अब हम चलते हैं अटैचमेंट ऑफ़ कैप्स्यूल ये ऊपर से फ्रॉम द एज ऑफ एस्टेबुलम टू द फीमर कैप्स्यूल नीचे से फिर फ्राम दी एजोफ एस्टेबिलम टू नेको फीमर कैप्स्यूल आप देख रहे हो कि कैप्स्यूल के फाइबर ऊपर की तरफ वापस टर्न करते हैं दीज आर कॉल्ड रेटेना किलर फाइबर्स इसमें थोड़ी सी ये ब्लड वेसल्स बनाइए सो दैट आपको याद रहेगा कि यहाँ पे रेटेना किलर ब्लड वेसल्स होती हैं अब फीमर के हेड को भी आप कवर कीजिए आर्टिकुलर काटलेट से ओके आराम से ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट्स डोंट बी इन अ हरी समझ समझ के ड्रॉ करो अब कलर करो सो so, जो आर्टिकुलर कार्टलेज है उसे लाइट ब्लू तो जो लेब्रम है उसे डार्क ब्लू करो क्यों कि आपको पता चले कि अलग चीज़ें हैं फिर हमारे लिगमेंट्स को आप ग्रीन कलर से कलर कीजिए सो दैट आपको वो अलग अलग समझेगा फैट है उसे येलो कलर कीजिए सो दैट वो भी आपके माइंड में क्लियर रहेगा मैं इसे थोड़ा डॉटेड बना रही हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये अलग टिश्यू है बाबा। अब हम चलते हैं कि मेरा साइनोवेल मेंब्रेन है कहाँ जो भी जॉइंट में पार्ट्स हैं जो मेरे आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड नहीं है वो साइनोवियल मेंब्रेन से कवर्ड होते हैं तो ये ऊपर का साइनोवियल मेम्ब्रेन ये नीचे का साइनोवियल मेम्ब्रेन आप देखोगे कि ये तो लिगेमेंट ऑफ फीमर को भी लाइन करता है इट एनक्लोजेज द लेगमेंट ऑफ फीमर एंड हैवोजन पैड ऑफ फैट को भी लाइन करता है तो ये हो गया आपका वेरी सिंपली करोनल सेक्शन थ्रू हिप जॉइंट इतने सिंपल से डायग्राम से आपने बहुत सारा सीख लिया इसीलिए बहुत बहुत बार डायग्राम से ड्राइंग कर करके सीखना बहुत ज़रूरी होता है अब इसे हम रिवाइज करेंगे ये है आपका कैप्स्यूल ये है आपका रेटनाकिलर फाइबर्स ऑफ कैप्स्यूल ये रेटिनो आर्टरीज आर्ट्रीज ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, दोनों एस्टेबिलम एंड फीमो ये एस्टेबिलर लेब्रम यह है आपका पैड ऑफ फैट अब नीचे लिगामेंट ऑफ फीमर एंड ट्रांसफर्स एस्टेबुलर लिगामेंट इस तरह से आपने इतने सिंपल से डायग्राम से पूरा ही हिप जॉइंट सीख लिया ओके okay, स्टूडेंट्स इसे रिवाइज़ कीजिए बार बार